कोरोना से जंग के बीच ऑक्सीजन स्तर मापने वाले उपकरणों की खरीद विवादों में घिर गई है। खुद सत्ता पक्ष के विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने पल्स ऑक्सीमीटर की खरीद पर सवाल उठाकर प्रशासन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ऑक्सीमीटर को लेकर कोई घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि चाइनीज ऑक्सीमीटर खरीदे गए थे जिसमें कुछ ऑक्सीमीटर खराब निकले, ऐसे में उनके द्वारा भी 4000 ऑक्सीमीटर खरीदे गए हैं जिसके बाद 300 से ज्यादा खराब निकले, ऐसे में ऑक्सीमीटर खरीदने को लेकर कोई घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा बेवजह के आरोप लगाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ मिलकर कोरोना संक्रमण से लड़ने में साथ देना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष के लोग अब बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जब कोरोना संक्रमण पीक पर था तब विपक्ष के लोग अपने घरों में कैद थे।